के बाद भी मियां बीवी की तरह साथ आए आमिर खान और किरण राव। न्यू लव पार्टनर सबा आजाद के साथ एंट्री कर ऋतिक रोशन कर रहे हैं ट्रेंड। नए प्यार अरसलान गोनी के साथ आकर सुजैन खान भी बटोर रही हैं फुल चर्चा। तो खबरों में छाई है करण जौहर के ब्लॉकबस्टर बर्थडे बैश में आई जोड़ियां। मुंबई में बॉलीवुड सितारों की 25 जून की रात करण जौहर के नाम रही। अपने 50वें जन्मदिन के मौके पर करण ने बेहद लेविश बर्थडे पार्टी होस्ट की थी, जिसमें चार चांद लगाने के लिए फिल्म सितारे जमीन पर उतर आए। यूं तो करण की पार्टी में हर सितारे ने अपना जलवा बखूबी दिखाया, लेकिन कुछ जोड़ियां ऐसी भी हैं जिसके हिस्से में आई सबसे ज्यादा सुर्खियां। आमिर खान और किरण राव। आमिर खान और किरण राव अलग होकर भी अलग नहीं हुए। आमिर खान और किरण राव, इन्हें देखकर भला कौन कहेगा कि बीते साल इनका तलाक हुआ है। करण की पार्टी में आमिर ने अपनी सेकंड एक्स वाइफ किरण राव के साथ हैप्पीली मैरिड कपल की तरह एंट्री की, तो दोनों ने फुल स्माइल के साथ मीडिया कैमराज को कपल पोज भी दिए। तो वहीं जैसे ही आमिर और किरण का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही इनकी ट्रोलिंग भी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। एक शख्स ने आमिर किरण पर तंज कसते हुए लिखा, पहले शादी का मजाक बनाया था, अब डिवोर्स का भी मजाक बना रखा है। तो वहीं एक दूसरे शख्स ने लिखा, ये क्या मजाक है, ऐसे साथ रहना था तो डिवोर्स ही क्यों किया। एक शख्स ने तो लिख डाला कि इनका अलग ही फॉर्मेट का डिवोर्स होता है। ऋतिक रोशन सबा आजाद। आमिर खान और किरण राव की जोड़ी के बाद ऋतिक रोशन और सबा आजाद की भी खूब चर्चा हो रही है। यूं तो ये पहला मौका नहीं था जब ऋतिक सबा के साथ स्पॉट हुए हैं, लेकिन पहली बार ऋतिक सबा को किसी बॉलीवुड पार्टी में अपने साथ लेकर जरूर पहुंचे। ब्लैक ड्रेस में सबा काफी स्टनिंग लग रही थी और ऋतिक रोशन हमेशा की तरह डैशिंग। सोशल मीडिया पर इस जोड़ी को भी लोगों के ताने सुनने को मिल रहे हैं। एक ट्रोलर ने सबा का मजाक उड़ाते हुए लिखा, ऋतिक की पसंद बहुत खराब। तो वहीं किसी ने तो सबा के प्रेग्नेंट होने का ही अंदाजा लगा लिया। उस शख्स ने लिखा, ये प्रेग्नेंट दिख रही है। सुजैन खान अरसलान गोनी। ऋतिक रोशन ने सबा आजाद के साथ आकर अटेंशन ग्राब की, तो वहीं उनकी एक्स वाइफ भी अकेले नहीं आई। करण की पार्टी को एंजॉय करने के लिए सुजैन अपने बॉयफ्रेंड अरसलान गोनी के साथ आई थी। सुजैन का अरसलान के साथ करण की पार्टी में आना भी सभी को चौंका गया। तो वहीं इन्हें ट्रोल करते हुए एक शख्स ने लिखा, क्या लाइफ है इनकी, एक्स हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, एक्स वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। विकी कौशल कैटरीना कैफ। विकी कौशल और कैटरीना कैफ की जोड़ी की भी खूब चर्चा हो रही है। हो भी क्यों ना, शादी के बाद से ही विकी कैट परफेक्ट हस्बैंड वाइफ गोल्स जो दे रहे हैं। प्रीति जिंटा और जीन गुडइनफ। लंबे वक्त के बाद डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा किसी बॉलीवुड पार्टी में दिखी है। प्रीति अपने पति जीन गुडइनफ के साथ आई थी। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन। ऐश्वर्या अभिषेक हाल ही में कान फिल्म फेस्टिवल से मुंबई लौटे हैं। ऐश अभी भी करण की पार्टी के मेहमान बने। इस जोड़ी के हिस्से भी खूब तारीफें आई। ब्यूरो रिपोर्ट E24।